स्मार्ट तरीका से पढ़िएगा तो स्मार्ट नंबर आएगा, और स्मार्ट तरीका से नहीं पढ़िएगा तो स्मार्ट नंबर नहीं आएगा। जब स्मार्ट नंबर नहीं आएगा तो गांव के लोगवा से आपको गाड़ी पढ़ेगा कि लड़का बड़ा फोंकैत रहलक कि हमारा 90 आई, 95 आई, अलग कतना था 50 या 60। तो ऐसा नहीं पढ़ना है दोस्त, 6 से 7 को चैप्टर पढ़िए और स्मार्ट नंबर लाइए और अपन कद को ऊंचा बढ़ाइए, अपना समाज में रहिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल रासपास के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी बज रहा है रात के 10, रात के 10 बजे ये वीडियो शूट करने का मतलब की है कि आप सबों को इस वर्ष 2022 के जो एग्जाम होने वाला है इसमें हम टारगेट लिए हैं कि दसवां के जितना स्टूडेंट इस चैनल पर पढ़ रहा है सबके 90+ स्कोर हम देंगे। इस चैनल के माध्यम से हम वादा किए हुए हैं कि जितना दसवां के लड़का इस चैनल पर आयल है उस सबके 90+ स्कोर देंगे हम मैथ कथी दूसरों सब्जेक्ट में। उहे कारण है कि आज 11 बजे रात के हम वीडियो शूट कर रहे हैं आप सबों के लिए। ये में हम मैथ के क्लास दसवां के जो मैथ है ना, एक रे कौन चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछल जाता है, यानी आपका 6 से 7 को चैप्टर पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए 90 नंबर। स्मार्ट तरीका से पढ़िएगा तो स्मार्ट नंबर आएगा, और स्मार्ट तरीका से नहीं पढ़िएगा तो स्मार्ट नंबर नहीं आएगा। जब स्मार्ट नंबर नहीं आएगा तो गांव के लोगवा से आपको गाड़ी पढ़ेगा कि लड़का बड़ा फोंकैत रहलक कि हमारा 90 आई, 95 आई, अलग कतना था 50 या 60। तो ऐसा नहीं पढ़ना है दोस्त, 6 से 7 को चैप्टर पढ़िए और स्मार्ट नंबर लाइए और अपन कद को ऊंचा बढ़ाइए, अपना समाज में रहिए। तो इसी सब के लिए ये वीडियो ये रात के 11 बजे हम शूट कर रहे हैं आप सबों के लिए। तो हम इसमें बताएंगे कि कौन सा चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव और कितना सब्जेक्टिव पूछता है, आपको कितना बनाना है, और जो बनाना है ना सब के वीडियो हम देंगे 5 से 10 वीडियो में आपका पूरा मैथ कंप्लीट करा देंगे। 95 कथी 100 नंबर का मैथ कंप्लीट करा देंगे। हम जे जे चैप्टर कहेंगे ना उहे चैप्टर पर फोकस कीजिएगा, कला कि ज्यादा समय अब न बचल है, बचल अब 17 फरवरी के तो एग्जाम है, 17 फरवरी से तो चालू है। तो वही चलते इस चैनल पर बने रहिए, और अगर जिस चैनल पर अभी नया आयल है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल नोटिफिकेशन जो लाल कलर का है ओकरो दबा के और दोस्तवा सके पास शेयर कर दीजिए कि ओकरो फायदा हो, जो लुहेरवा से पूरा दसवा न पढ़ले होगा ना ओकरो समझ में आएगा, उहो बढ़िया नंबर ले आएगा ये वीडियो देख के। तो देखिए पहला का चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसको रियल नंबर कहते हैं। ऐसे कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, पहले कितना पूछता है उसे हम देख लेंगे, ओकरा बाद हम आपको बताएंगे कि कौन चैप्टर से कय गो बनावे के है। तो वास्तविक संख्या से 11 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है 11 नंबर का, और सब ऑब्जेक्टिव 4 गो पूछता है 2 नंबर वाला। अब देखिए बहुपद से 9 गो ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, 2 गो सब्जेक्टिव। फिर 3 नंबर चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक सरलीकरण युग्म, उससे 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव 7 गो पूछता है। द्विघात बहुपद से, सॉरी यहाँ समीकरण होगा, 4 नंबर द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण से 10 गो ऑब्जेक्टिव, और समानांतर श्रेणी जेकरा एपी कहते हैं ओकरा से 6 गो ऑब्जेक्टिव। और 6 नंबर जो चैप्टर है त्रिभुज, उससे 10 से 12 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है, बहुत हल्का हल्का। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, जो कोऑर्डिनेट ज्यामिति है, जो दूरी सूत्र पढ़ते हैं, ओकरा से 11 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछता है। और त्रिकोणमिति का परिचय जो है, जेकरा बड़ा डर लगता है लड़कवा से कि चैप्टरवा से त्रिकोणमिति से, 15 नंबर के पूछता है, वो सब बता देंगे हम आपको। इसके बाद है जो अनुप्रयोग त्रिकोणमिति का, हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, उससे 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव 2 गो, वृत्त से 2 गो ऑब्जेक्टिव, रचना से 1 से 2 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है या नहीं पूछता है। एक बात है क्षेत्रमिति में 2 गो पार्ट है, यानी 12 लेसन और 13 लेसन वृत्त से संबंधित और क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। वो मेंसुरेशन हम पूरा ले लिए, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है। जो सांख्यिकी है माध्यमाधिका बहुलक, उससे 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव। इसके बाद जो प्रायिकता है ना, यही उससे 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 1-2 नंबर कम या ज्यादा पूछ लेता है, इतना लगभग लगभग पूछता है ये ऑब्जेक्टिव। तो आपको बनाना कितना, सब 100 नंबर 1-2 नंबर ज्यादा भी हो जाएगा, ठीक है, कोनो में एगो कम कोनो में एगो ज्यादा पूछता है। तो
इस सब 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्या लगा, पूछता तो 100 ऑब्जेक्टिव है लेकिन आपको बनाना कितना है, तो 50 से वो बनाना है, तो 50 वो क्वेश्चन के बनाएंगे से 50 में 50 आ जाएगा हमको और उसका रिवीजन हम करा देंगे। चाहे कुछ तो पढ़ ले तो है ना, अभी नहीं पढ़ ले तो इस चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा, अब वीडियो से आप लोग सब याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, दो तीन बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये वीडियो हुआ जो देख रहे हैं ना, ये सब खातिर कहीं वो कॉपी बना लीजिएगा, मैथ के अलग, साइंस के अलग, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश वो के बना लीजिएगा, ओकरो वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके लिए। हम आपको एग्जाम से 5-7 दिन 10 दिन पहले ही ये पूरा खत्म करा देंगे सब सब्जेक्ट, 10-12-20 वीडियो के आसपास ले। तो देखिए बनाना के में से कई वो है से देखिए, एकदम स्मार्ट तरीका से पढ़िएगा तो स्मार्ट नंबर आ जाएगा। देखिएगा ये देखिए वास्तविक संख्या से 4 वो यानी 11 नंबर, 11 वो ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो हम मानते हैं कि आपको इससे कई वो बन जाएगा, 11 वो में से मानते हैं कि 8 गो बने, 8 गो लेते हैं। अब देखिए बहुपद से 9 गो है तो इससे हम लेते हैं 6 गो, 2-4 रैखिक समीकरण युग्म से हम कितना ले ले तो 5 गो ले लेते हैं, द्विघातों समीकरण से 10 गो है तो 7 गो ले लेते हैं। अब एपी से, एपी से 6 गो है तो 3 गो ले लेते हैं। अब देखिए ये जो त्रिभुज वाला है ना, इस सबके तो ऑब्जेक्टिव बड़ा आसान होता है, त्रिभुज वो वाला आसान होता है, आसान तो 12 को ऑब्जेक्टिव कुछ भी करता है तो आसान होता है ना, तो मानते हैं कि 12 बहुत लाइक से कमेंट करेगा कथी कि सर जी हमारा तो त्रिभुज भी समझ में नहीं आता है, तो ये बुर्बक त्रिभुज वो आएगा समझ में, पहले वीडियो हुआ देखेगा तब ना कितना बनाना है, तो मानते हैं कि 12 गो है तो मानते हैं कि आप 8 गो बनाइएगा, ये ना बोले। अब निर्देशांक ज्यामिति है, 11 नंबर के पूछा चाहे 8 नंबर के पूछा, 8 गो बनाइए। अब देखिए यहाँ त्रिकोणमिति जो परिचय है ये 15 नंबर के पूछ रहा है तो 10 गो बनाइए, अब देख लीजिए जोड़ के कई गो नंबर पूर रहा है, यहाँ देखिए 8 गो 6 गो 14 गो 14 गो 5 गो 19 गो 19 गो 7 गो 26 गो 26 गो 3 गो 29 गो यानी 30 गो मान लीजिए एकरा, 10 गो 40 गो 40 गो 16 गो, तो 40 गो 16 गो कते गो पुड़ गया तो 56 गो पुड़ गया। अब बनाना कै गो आपको है, 50 गो, इस समय से छुबो नहीं कीजिएगा, अगर जो इनमें से बनहू रहा है ना, इनमें से अगर नहीं बना तो आपका एगो प्लस पॉइंट ई दे देगा, कौन दे देगा, तो क्षेत्रमिति 10 नंबर का है तो मानिए 5 नंबर के बनता है, माध्यमिका बहुलक वाला 2 गो नंबर के बनता है, प्रायिकता मानिए 2 नंबर का बनता है। अब यहाँ देखिएगा तो 56 गो हो गया, 56 गो 4 गो 60 गो 5 गो 65 गो ऑब्जेक्टिव आपसे बनने वाला है, इनमें से बहुत आसान आसान चैप्टर है, इस संख्या में के तो सब में वह पूछेगा कि परिमेय अपरिमेय संख्या कौन है पहचाने ला, वो पहचान दीजिएगा, एक दो क्वेश्चन पूछेगा, एलसीएम एचसीएफ पूछेगा वो बना दिया ऑब्जेक्टिव वाला में। और बहुपद में पूछेगा कि बहुपद होने के शर्त इनमें से कौन बहुपद है ऑब्जेक्टिव में दिले रहेगा, 4 गो ऑप्शन दिले रहेगा, कौन बहुपद ऊपर टिक कर लीजिए, चाहे शून्य निकालने के लिए दे देगा, अल्फा प्लस बीटा निकालने लगे दे देगा, और 2-4 रैखिक समीकरण का कंडीशन होता है आपका वही देगा कि रेखाएं समानांतर है, प्रतिच्छेदित करती है कि प्रतिच्छेदित नहीं करती है, कि संगत हल है कि असंगत हल है वो में दे देगा, और द्विघात समीकरण से कहेगा इसका विविधता निकालिए यानी विवेचक, द्विघात समीकरण यानी बाबा के सूत्र पूछ देगा। ये जितना चैप्टर हम बता रहे हैं ना, ये सब के फॉर्मूला वो याद कर लीजिएगा, अन्यथा तो वीडियो हुआ तो आपको मिलवे करेगा, क्वेश्चन को ले हो लेकर रहेगा ना, तो ये सब वीडियो हुआ देख के बढ़िया से बढ़िया नंबर ले आएगा एकदम, हम बोले है ना 90 प्लस के टारगेट लेके चलेंगे हम, आपको इस वर्ष 90 प्लस टारगेट लाएंगे ही लाएंगे, ठीक है, इस सब में से हो जाएगा यानी मानते 60-65 वो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब बनावे के कै गो है तो 50 से वो बनाना है, आराम से बन जाएगा 50 नंबर के, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए 50 नंबर हम लिख लिए यहाँ, और 50 इतना में हम 50 एगो नंबर जोड़ते हैं, ठीक है 50 नंबर हम जोड़ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव से 50 नंबर। अब सब्जेक्टिव देखिए, अब देखिए वास्तविक संख्या वाला है ना, तो वास्तविक संख्या वाला 4 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है 8 नंबर का, 8 नंबर के पूछता है ना, तो हम इसको क्या बोलते दुइये नंबर, दुइये यानी दुइये नंबर, दुइये क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन पहले गिन लेते हैं और दुगुना कर लेंगे, बहुपद से मानते हैं आपको एक गो बना शून्य वाला, इहू से एक गो बना,
इससे भी एगो बना, इससे दूगो बना लीजिएगा, मन होगा तो त्रिभुज वाला नहीं छुइएगा, छोड़ दीजिएगा, इससे भी आप दूगो बना लीजिएगा। अब देखिए इससे पांच को क्वेश्चन पूछता है तो तीन गो तो बना ही लीजिएगा, कैसे होगा त्रिकोणमिति वाला हम बता ही देंगे। अब देखिए इसमें से करना का है कि जो मेंसुरेशन वाला है क्षेत्रमिति वाला, सबसे पहले करता फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तो एहू से तीन गो है ना तो एगो बन ही जाएगा, एगो से दू गो, तो ये जोड़ लीजिए ना कै गो हो गया, एक चार पांच दो सात दो नौ, नौ तीन बारह एक तेरह, यानी चौदह गो, चौदह पंद्रह नंबर के पढ़ना, तीस गो नंबर तो इहो सब्जेक्टिव दे देगा, कैसे पंद्रह गो बन जाएगा तो तीस गो नंबर ये सब्जेक्टिव दे देगा दो नंबर वाला, तो हो गया अस्सी नंबर। अब अस्सी नंबर हो गया, अब पांच नंबर वाला भी बचले है, एक नंबर वाला दो नंबर वाला, अस्सी नंबर कंप्लीट। अब बीस नंबर की बात है तो एगो ग्राफ पूछता है कौन चैप्टर से, तो तीसरा लेसन से ग्राफ पूछता है, तो पांच नंबर वाला पूछता है, पांच नंबर कंप्लीट। एगो आपको इससे पूछेगा कि त्रिकोणमिति से पांच नंबर का एगो उहो बना लीजिएगा, एगो द्विघातों समीकरण से पूछ देगा, बहुपदों से पूछ देता है, और यहाँ एगो क्षेत्रमितियों से पूछ देता है, इस सब मिला के कैसे दू गो तो बनेगा न तो तीन गो बनता, आठ गो यानी आपको दिले रहेगा आठ गो, अब बनाना चार गो की पांच गो रहता है, चार गो बनाना रहता है, ओहू में से बन जाएगा दो तीन गो, अगर जो मानते हैं दुइये गो बना, दुइये गो बना तो अस्सी हुआ दस गो, कई नंबर हो गया तो नब्बे नंबर हो गया, तो हम बोले हैं ना नब्बे प्लस के टारगेट लेकर चलते हैं, कम से कम नब्बे आना चाहिए, कम से कम, आ ज्यादा तक कतनो ले आइए, एक सौ में एक सौ दसो ले आइए, लेकिन एक सौ दस नहीं आएगा, एक सौ आएगा, तो नब्बे का टारगेट हम बोले हैं कि नब्बे प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, और मैं आपको लाऊंगा नब्बे, हमारे साथ बने रहिएगा इस चैनल पर, आपको पूरा समझ में आएगा, दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा, हर एक चैप्टर का कुछ वीडियो तो हम आपको दे दिए हैं, वो वीडियो से देख लीजिएगा, उसी तरह के क्वेश्चन आएगा, चाहे ओहू में से कोनो क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए, तो ये बोले है कि ऑब्जेक्टिव जो बताए है ना इसको लिख लीजिएगा, टारगेट है ना इसको जो मैं लिख दिया हूं ना इसको लिख लीजिएगा, और इसमें से आप टारगेट कीजिएगा कि कै गो बन रहा है, प्रैक्टिस सेट होता है ना, बिहार बोर्ड जारी करते हैं मॉडल सेट वाला, जारी तो कर दे हैं, चाहे कोनो दूसरा पब्लिकेशन का मॉडल सेट आप लिए होइएगा, तो उसी में यह लिख लीजिएगा, आपको जो ई चैप्टर हम बताए ना इस सबका लिख लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन ज्यादा चाहे कम होता ही कोनो दिक्कत ना है, तो उसे लिख लीजिएगा, उतने टिक करके देखिएगा कि हमारा पचास गो बन रहा है कि नहीं, वो भी सही सही, दो बार तीन बार पांच सात को सेट रहते हैं, सब में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पचास को कैसे वो कन्फर्म कर लीजिएगा छह से सात को चैप्टर में, इसी को कहते हैं कि स्मार्ट तरीका से पढ़िएगा स्मार्ट नंबर आएगा, स्मार्ट तरीका से नहीं पढ़िएगा तो स्मार्ट नंबर नहीं आएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव दो नंबर वाला बन जाता है, ऐसी एक दो सब्जेक्टिव यानी पांचों नंबर वाला एक दो बन गया तो हो गया था आपका बल्ले बल्ले अच्छा नंबर आ जाएगा, खाली प्रैक्टिस जारी रखिएगा, पूरा एकदम प्रैक्टिस को छोड़िएगा कहीं नहीं, हमेशा अभी तक जारी रखिए, जब तक एग्जाम न हो जाए हर एक सब्जेक्ट के पढ़ते रहिएगा, ठीक है, चैनल के माध्यम से पढ़िए, चाहे आप जो ट्यूशन जहां पढ़े थे ना उहो के सर जी जो होंगे ना आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दिए होंगे उहो क्वेश्चन मां बना लीजिए, सबको बना लीजिए, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा, और सबसे पहला बात तो कथी है कि जितना ये चैप्टर है ना सबके फॉर्मूला जे होगा ना ओकरा लिख के याद कर लीजिए अच्छा से बढ़िया से, सबसे ज्यादा ये सब जो फॉर्मूला है ना, फिर मेंसुरेशन वाला जो फॉर्मूला है ना इहो याद कर लीजिएगा, पूछता है कि अर्धवृत्त का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है अर्धवृत्त का, तो थ्री पाई आर स्क्वायर, अब वृत्त का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वृत्त यानी अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो टू पाई आर स्क्वायर यानी सॉरी पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला पूछेगा और अर्धवृत्त नहीं अर्धगोला पूछेगा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ थ्री पाई आर स्क्वायर, अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है, पाई एक परिमेय है कि अपरिमेय यो पूछते, रूट तीन परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, ये सब का प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो आंख बंद करके आपको नब्बे प्लस आ जाएगा, ठीक है दोस्त, ये वीडियो को आके अपना सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ओकरे के शेयर कीजिएगा जो दसवां में होगा अभी एग्जाम देवे वाला है,
वही सके शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा है चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में कह के हमारा बताइएगा, और आगे का वीडियो आपको इसी पर मिलता रहेगा। एक दूसर को चैनल हमारा है स्टडी 7.6 करके, जो क्लास 12th वाला लड़का के लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर भी 12th वाला लड़का के लिए वीडियो मिलत रहेगा। ठीक है, अगर जो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप पुराना है तो वीडियो का शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए का वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।